Press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. बाल शेव क्यों करा रहे हैं सर? बाल शेव, बाल बाल उठाने की जरूरत क्या है? क्यों बाल शेव करा रहे हैं? मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि जो आज आलिम भाई करेंगे वो कोई एजिटेशन नहीं है। प्लीज इसको वैसा मत पेश करना। आप लोग राजा हो मीडिया के यार, ऐसे मत पेश करना कि ये दिखा दिया, ये चैलेंज दे दिया मौलवी को। ये कोई चैलेंज नहीं है। ये आपको बताना है कि बाल काटने वाला मुसलमान है और जिसके बाल काटने का फतवा किया था वो हिंदू है, वही आदमी है। वो हो रहा है, पर इसी बात को हम प्यार से भी कर रहे हैं ना। इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं है। कोई ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे बाल नहीं काट रहा। मैं अपनी मर्जी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ मेरे बाल काट भाई। आप फतवे की ही कहानी, आप समझ रहे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। फतवे की ही बात को हम प्यार से अगर इंटरप्रेट करें तो थोड़ा सा सही मैसेज पहुँचता है या नहीं पहुँचता। बहरहाल अगर आप लोगों की बात समझ आ रही है तो मैं बहुत खुश हूँगा। अगर नहीं समझ आ रही तो कभी ना कभी समझ आ जाएगी, फिर आप इस बात को याद करेंगे मैंने क्या कही थी। एक मौलवी ने आपके बाल निकालकर आपको जूते पहनाकर पूरे दुनिया में घुमाने की बात कही है, तो क्या प्रतिक्रिया दी है? ये यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये बाल अब ये देख रहे हैं, ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो? What are you making this country out? आप इस देश को क्या कर रहे हो? कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है। और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं। मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है। मैं बिल्कुल ऐसा मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर, बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे। अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनाटिक्स, बट फैनाटिकसिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं, पर सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं यू नो स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो। दम है ना, तो ऐसी बातों पर बोल के दिखाओ।